ही गाइज वेलकम टू माई चैनल सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं तो आज की हमारी रेसिपी है दही भैया की दही बहिए की जो रेसिपी हमारी है वो सभी त्योहारों में खाई जाती है ये भैया मार्केट की तरह ही बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं तो चलिए आज की हमारी रेसिपी हम शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कटोरी मूँग दुई डाली है जैसे कि आप देख सकते हैं साथ ही में हमने एक कटोरी उड़द की दाल ली है इन दोनों दालों से ही हमारे आज के भगे बनेंगे दाल को हमने चार घंटे के लिए भिगो के रख दिया था अभी क्वांटिटी में डबल हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये अच्छे तरीके से भिग चुकी है अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे दाल हमारी देखिए पिस चुकी है इस पीसी हुई दाल को हमने एक पतीले में निकाल लिया है और इसको हम कम से कम पाँच दस मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें हवा भर जाएगी और हमारे जो बही है वो स्पॉन्जी बनेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाला मैंने और इसमें आधा चम्मच के करीब ही जीरा डालिएगा दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि जीरा और नमक इसमें अच्छे से मिल जाए और टेस्ट अच्छा आए उसका दस मिनट तक फेंटते रहेंगे इसको दाल हमारी अच्छे से फेंट चुकी है इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है अब हम भैया बनाने की तैयारी करते हैं यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है तेल गरम होने देंगे दूसरी तरफ हमने एक पतीले में पानी गरम होने के लिए रखा है जब ये पानी गरम हो जाएगा तो भैया इसमें डाल देंगे हम तेल हमारा गर्म हो रहा है हम इसके गर्म होने का वेट करेंगे जैसे ही गर्म होगा हम गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे क्योंकि अगर तेज़ आंच पे हम अपने भैया बनाएंगे तो वो सड़ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अब हम एक छोटा सा पीस डाल के देख लेते हैं इसमें कि ये तेल गर्म हुआ है या नहीं ये बन रहा है यानी कि तेल गर्म हो चुका है तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है अब हम इसमें सारे भैया अपने तल लेंगे गैस मीडियम पे ही रखिएगा तेज मत रखिएगा एक बार में चार पांच ही बढ़िया बनाइएगा उससे ज़्यादा मत बनाइएगा वरना सागे खराब हो जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे बन रहे हैं सागे भैया हम आगे बिल्कुल स्पॉन्जी बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे आप देख रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में बिल्कुल फूल चुकी हैं ये इसको थोड़ा सा हम अलर्ट अलट पलट लेंगे कड़छी की सहायता से और इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे ज़्यादा नहीं तलना है वरने वो वर अंदर से कच्चे आ जाएंगे और बाहर से लाल हो जाएंगे अब हम इन भल्लों को गर्म पानी में डालेंगे इससे हमारे भल्ले सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल और उनका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये देखिए अब हम हमारे बाकी के भल्ले हैं ये ये सारे भल्ले बनकर तैयार हैं आप देख सकते हैं कितने बढ़िया यघ हैं ये देखने में क्रिस्पी यग हैं बिल्कुल मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी यग हैं इन बाकी के बल्लों को आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं चार पाँच दिन के लिए यहाँ पे मैंने काला नमक किया है लाल मिर्च की है साथ में हमने चाट मसाला लिया है धनिया है सेवैयाँ हैं साथ में और सॉस है हरी चटनी है और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट दही है भैया जैसे कि आपको पता मारे बन तो हम आगे बनकर तैयार हैं तो उसके ऊपर हम दही डाल देते हैं क्योंकि दही के बिना तो भैया बिल्कुल अधूरे हैं अच्छे से हम इसको दही से कवर कर लेते हैं सास में हम इसमें सॉस डालेंगे अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके ऊपर हमने काला नमक डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला और बाकी धनिया से हमने इसको गार्निशिंग कर दी है देखिए कितना बढ़िया लग, लग रहा है देखने में बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रहा है इसके ऊपर हमने सेवैयाँ डाल दी हैं इससे इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा मुझे सॉस कम लग गई थी तो मैंने रेड सॉस थोड़ी सी और ऐड की है वाह देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी लग रहा है देखने में ही जब आप बनाएँगे तो तो फिर आप देखते रह जाएंगे अपनी उंगिया चाटते रह जाएंगे आप देखिए हमारी आज की रेसिपी ये दही भरिया रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए मैं आपको कट कर कट करके भी दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट लग रहा है ये आप ये दही भगया कैसे भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं बाय टेक केयर